इंग्लिश पेडागॉजी इन वन मिनट, एक्विजिशन जो कि नेचुरली होता है, इनफॉर्मल होता है, लर्निंग की बात करें तो जो कि लर्न्ड और फॉर्मल होता है, नोम चॉम्स्की लैड की बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग होता है जिसमें हम एक्सपोजर दें, जिसमें हैबिट फॉर्मेशन हो, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, मोटिवेशन और इंटरेस्ट होना चाहिए। लैंग्वेज स्किल्स की बात करें तो LSRW होता है, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, जिसमें आपके LR जो होते हैं वो रिसेसिव या पैसिव स्किल्स होते हैं, SW होते हैं प्रोडक्टिव या फिर एक्टिव स्किल्स। रीडिंग की बात करें तो लाउड रीडिंग होता है, साइलेंट रीडिंग होता है, स्किमिंग होता है जो कि क्विकली हम रीड करते हैं एक पैसेज के जनरल आइडिया को जानने के लिए, स्कैनिंग हो सकता है स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटेंसिव हो सकता है केयरफुल रीडिंग, एक्सटेंसिव हो सकता है ओवरव्यू। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, होल टू पार्ट, इंडक्टिव टू डिडक्टिव होता है। फोनिम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, मॉर्फिम होता है वर्ड के लिए, फोनोलॉजी होता है साउंड पैटर्न के लिए, और सिंटैक्स होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। टीचिंग मेथड की बात करें तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बिलिंगुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, इसे आर्मी मेथड भी कहते हैं, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, हेरिस्टिक मेथड याद रखिएगा जिसे डिस्कवरी मेथड होता है। इवैल्यूएशन के टूल्स की बात करें तो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होता है जो कि सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क होता है। रिकॉर्ड्स की बात करें तो एनेडक्टल एंड क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव जो कि क्लासरूम के अंदर होता है, अटेंडेंस वगैरह, और एनेडक्टल जो कि रिटन फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक इवेंट ऑफ स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। फिर आपका चेकलिस्ट, फिर होता है आपका रेटिंग स्केल जिसमें हम बैड, गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट इस तरह के रेटिंग्स देते हैं। सीसी की बात करें तो कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है जिसमें एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, कोलास्टिक, कोकोलास्टिक की बात की जाती है। कोलास्टिक की इवैल्यूएशन के लिए होता है फॉर्मेटिव एंड समेटिव, फॉर्मेटिव यानी कि यूनिट टेस्ट, समेटिव जो कि टॉर्मेंट होता है, फॉर्मेटिव जो क्लासरूम के अंदर चलते प्रक्रिया में होता है, टॉर्मेंट में समेटिव होता है। कोकोलास्टिक की बात करें तो वैल्यू, स्पोर्ट्स बिहेवियर, इनको हम इवैल्यूएट करते हैं। डायग्नोस्टिक टीचिंग जिसमें हम फाइंड करते हैं बच्चे की प्रॉब्लम को, रिमेडियल टीचिंग उसी के हिसाब से सोल्यूशन हम देते हैं। बहुत सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज होते हैं जैसे कि डिसलेक्सिया, रीडिंग से रिलेटेड डिसग्राफिया, राइटिंग से रिलेटेड डिसकैल्कुलिया, मैथमेटिक्स से रिलेटेड अफासिया, लैंग्वेज रिलेटेड डिस्थीमिया, अप्रैक्सिया, ADHD। BICS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। TVLT होता है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, CALP होता है CLP होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, GTM होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, CLL होता है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, LAD होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, TPR होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स।